नमस्कार, हम अभी हैं राजेंद्र नगर में, जहां हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा। राघव से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है इनकी। सर, पिछली बार जब हम मिले थे तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इस बार विधानसभा का चुनाव, क्या लग रहा है? अभी दिल्ली में जो माहौल है वो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से और अरविंद केजरीवाल फिर से मिलेगा। जहाँ जा रहे हैं लोग बस यही कह रहे हैं कि अच्छे जीते, 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी को जनता चाहती है, प्यार करती है, विश्वास और बीते 5 सालों के काम के नाम पर इस बार मुझे लगता है कि 2015 से भी बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने जा रही है। आप कह रहे हैं 2015 से बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन आपकी जो जिससे लड़ाई है आप लोगों की बीजेपी, उसने अपने तमाम मंत्रियों, तमाम सांसदों, तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतार रखा है, डर लग रहा है क्या? पिछली बार भी यही किया, पिछली बार तो बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीत के आई, सारे विधानसभाओं के चुनाव जीत कर आई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार बनाई, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, उसके बाद दिल्ली का चुनाव लड़ने वाली और उसके बाद भी उस लहर जो मोदी जी की चल रही थी तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में भाजपा का रथ रोका। आज तो बड़ी घबराई हुई, पगलाई हुई, बखलाई हुई बीजेपी हमारे सामने खड़ी, जिसमें उनकी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बची, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए, झारखंड में बुरी तरीके से हारे, हरियाणा में बहुमत के आंकड़े से पिछड़ गए, वो बीजेपी हारी हुई थकी हुई बीजेपी आज हमारा क्या सामना करे। सर, बीजेपी के तमाम नेता जो प्रचार के दौरान शाहीन बाग, CAA, कश्मीर तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे चुनाव काम पर जनता उन मुद्दों पर वोट डालती है जो रोजमर्रा के जीवन में उन्हें परेशान करते हैं, जिनसे इसका समाधान जनता चाहती है? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन, इन्वायरमेंट, इन इश्यूज पर जनता वोट डालती है और इन इश्यूज पर जनता वोट डाले। भाजपा ने पूरी कोशिश करी थी अन्य राज्यों के चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे लाने की, लेकिन जनता कह रही है राज्य का चुनाव है, राज्य के मुद्दे पर बात करें। शाहीन बाग एक बड़ा मुद्दा बन गया, आप देख रहे हैं, कल एक कपिल का नाम आया जिनका लिंक आपकी पार्टी से जोड़ा गया, आज एक महिला वहां पकड़ी गई है जो बुर्का पहन के गई थी, क्या लग रहा है? मुद्दा बचाने का प्रयास, वो खुद कह रहे हैं, उनका पूरा परिवार कह रहा है कि हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर 4 साल की सजा होती है गोली चलाने की तो उस आदमी को जेल में पकड़ के डालो और 8 साल की सजा दो, हमारा कहाँ से कुछ लेना देना, ये तो कंस्पिरेसी है, ये तो कराया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये सारे खेल रच रही है, भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरा एक सवाल है कि जब 2015 का चुनाव आप लोग लड़ रहे थे तो 3 CA का आप लोगों का पॉइंट था, इस बार जो अभी ADR की रिपोर्ट आई है उसमें 51% जो उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी के क्रिमिनल, उन पर चार्ज है, क्या लग रहा है कि पार्टी अब आज धरने का धरना प्रदर्शन करो लोकपाल की मांग करने के लिए जंतर मंतर पर, तो भी एक आपराधिक मुकदमा आप पे दर्ज होकर बन जाता है कि आपने प्रदर्शन करा, आप समझे क्रिमिनल चार्ज। अरविंद केजरीवाल जी पर भी 17-18 आपराधिक मुकदमे बीजेपी ने ऐसे ही डलवाए हैं, वो कहीं धरना देते हैं, कहीं प्रदर्शन करते हैं तो उनसे आपराधिक मुकदमा डाल देते हैं, हमारे यहाँ किसी पे संगीन अपराध नहीं का चार्ज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर तो अटेम्प्ट टू रेप, मर्डर, न जाने डकैती, क्या क्या आरोप है। आपके यहाँ कई उम्मीदवार ऐसे हैं सर कि एक दिन पहले वो ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन को टिकट मिल जाता है, जिसमें बदरपुर से हैं, पार्टी अपने हिसाब से फैसला लेती है किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के फैसला, हम आपसे बड़ी पूछेंगे किसको टिकट देना नहीं। लेकिन एक आखिरी मतलब दो सवाल हैं कि आपने जब पिछले बार आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोग कहते थे कि हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किसको उम्मीदवार बनाए थे, जो आदमी आज पार्टी ज्वाइन करता है कल आपको टिकट, आप उसको टिकट देते हैं, तो आपने कार्यकर्ताओं से कब बात कर ली होगी उस मसले पे? पार्टी की पूरी प्रक्रिया होती है, पार्टी पूरी प्रक्रिया कराकर, सर्वे कराकर, कार्यकर्ताओं से बात करकर, हर प्रोसेस का पालन करकर टिकट देते हैं। आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, हमें ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं? मैं बारी बारी एक ही बात को नहीं दोहराता, मैंने आपको बता दिया कि 2015 से बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी, मतलब 67 से ऊपर आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।